नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सिंगापुर जाने वालों के लिए। खास तौर से एक वीडियो मैंने एक और बनाया है, उसको भी आप देखिए, या ये भी आप देख सकते हैं। दो सिंगापुर के दो बंदों ने मुझे से कांटेक्ट किया, दोनों के सेम वीज़ा हैं, ठीक है। जॉब में कोई इतना डिफरेंस, जॉब के हिसाब से वीज़ा का पैसा नहीं लगता, इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। वीज़ा की प्रोसेस एक ही सेम होती है, सेम ही उसकी फ़ीस होती है। एक जो बंदा है वो 6 लाख रुपये पे कर रहा है वीज़ा के, ठीक है, हालांकि वीज़ा नकली है, नो डाउट। सेकंड जो बंदा, मैं अभी जो बात आपके साथ करूंगा, ये बंदा कितना पैसा दे रहा है, 1,50,000 रुपये, वीज़ा सेम है। अब आप सोचिए जी, एक बंदा 6 लाख रुपये दे रहा है, एक बंदा 1.5 लाख रुपये दे रहा है, उसमें भी वो 6 लाख यहीं दे रहा है, ये बंदा 75,000 यानी 75,000 रुपये ये यहीं दे रहा है, बाकी 75,000 रुपये वहाँ सैलरी से कटेंगे। जी हाँ, कि दोनों में कितना डिफरेंस है। इस बंदे के पास ऑफ़र लेटर आया हुआ है, उसमें बंदे के पास ऑफ़र लेटर भी नहीं दिया, बोले ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट वीज़ा लो ना, 6 लाख पटको, यहाँ पे वीज़ा दे दिया उसको ऑनलाइन करके। सैलरी की बात करें तो $1,000 इसमें सैलरी बताई गई। इस वीज़ा की बात करें तो क्या है यार, एक महीने की तनख्वाह यहाँ देनी है, बाकी तनख्वाह से कटानी है, इतना ही तो है ना। सिंगापुर जाने वाले खास तौर से सोचें, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए भाई, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ऑफ़र लेटर दिखा देता हूँ, क्योंकि सिंगापुर के ऑफ़र लेटर बहुत कम आते हैं। ये ऑफ़र लेटर आया हुआ है तो आप देखिए भाई, स्टोन इंजीनियरिंग कंपनी का इसमें नाम दिया गया है स्टोन, और आगे अगर बात करें तो पूरा एड्रेस इसमें सिंगापुर का दिया गया है, ईमेल आईडी वगैरह सब है भैया, इसमें तो सब कुछ दिया गया है यार, तो आराम से ये तो फिर असली मानेंगे ना हम तो इसको। बंदे का नाम दे दिया, पासपोर्ट नंबर, इंक्वायरी, सब कुछ इसमें दे रखा है। खास बात ये कि है, ये बंदा राजस्थान का है, ठीक है जी। बेसिक सैलरी की बात कर लें तो देखो, हेल्पर का इसमें जॉब है, इसमें 1,000 इसमें, लेकिन ये नहीं लिखा है कि डॉलर है या फिर क्या है, इसमें ये छोड़ दिया बंदे ने, ये गलती है हालांकि, ठीक है। अदर अलाउंस सब कुछ मिलेगा, फूड फ्री है, ऑन ड्यूटी फूड फ्री मिलेगा, हाउसिंग मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी देगी, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सिंगल रहेगा इसमें, नॉर्मल वर्किंग आवर्स 8 आवर्स रहेगा, ओवर टाइम 2 आवर्स एवरी डे ऑन ड्यूटी आपको मिल जाएगा, लीव ग्रेजुटी भी 60 डेज आप लीव मिल जाएगी 1 साल 2 साल के बाद में, जी हाँ, ग्रेजुटी बोनस भी साथ में मिल जाएगा। ये ऑफ़र लेटर बंदे को दे दिया, साइन करके जी वापस भेज दो। अब बंदा क्या करेगा भाई, साइन करके देगा ना ऑफ़र लेटर, जबकि इसमें आपको अगर समझ में आ रहा है तो देखना कि ये ऑफ़र लेटर क्या है सिंगापुर का, समझ में आ रहा है। बंदे को ऑफ़र लेटर देने के बाद में ऑफ़र लेटर के साथ में वीज़ा भी दे दिया, ये आप देख सकते हैं जी। वीज़ा सिंगापुर का वीज़ा इतना आसान है, योर एप्लीकेशन इज़ अप्रूव्ड, बस इतना ही लिखा होना चाहिए, वो वीज़ा हो गया जी फाइनल, डोंट वरी। अब ये वीज़ा है सिंगापुर का, पता नहीं इसमें इंग्लिश में लिखा है, बीच में चाइनीज़ लिखी है, और लैंग्वेज तमिल टाइप की होती है, जो लैंग्वेज मलेशियन चलती है वो लैंग्वेज इसमें लिखी हुई है, हालांकि सिंगापुर की लोकल लैंग्वेज भी इसको बोल सकते हैं, ऐसा कुछ है। देखो जी, एक बंदे को 6 लाख में वही वीज़ा, दूसरे बंदे को 1.5 लाख में वही वीज़ा, 75,000 यहाँ देने हैं, बाकी तनख्वाह से कटवाना है। वो 6 लाख दे रहा, उसको ऑफ़र लेटर नहीं मिला, इसको ऑफ़र लेटर मिल के वीज़ा भी मिल गया। अब आप देखिए, बंदे 75,000 रुपये दे चुका है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप जा रहे हो भाई विदेश तो जाके हमें कॉल करना सिंगापुर के नंबर से, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी कि हमें भी आप साबित करोगे ऑफ़र लेटर आ रहे हैं, सबके सब फेक बता रहा हूँ मैं, उम्मीद करूँगा आप ये काम ज़रूर करोगे। बस सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।